नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल फार्मा फैक्ट में। आज मैं आपको हिमालय ड्रग कंपनी की डाइबिकोन टेबलेट के बारे में बताऊंगा। डाइबिकोन क्या है, इसके क्या क्या यूज है, इसका क्या डोज है, इसके क्या साइड इफेक्ट है और इसमें पाए जाने वाले कंटेंट उनका क्या क्या कार्य है, इन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डाइबिकोन क्या है। तो डाइबिकोन हिमालय ड्रग कंपनी की बहुत ही प्रचलित और पुरानी मेडिसिन है जो कि डायबिटीज के लिए काम में ली जाती है। डायबिटिक पेशेंट के लिए इस हिमालय डाइबिकोन को बनाया गया है। हिमालय ये डाइबिकोन टैबलेट है, इसमें कौन कौन से कंटेंट आते हैं उनकी बात करते हैं। तो हिमालय डाइबिकोन में वैसे 30 से ज्यादा इसमें कंटेंट आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट मिलाए जाते हैं जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लिए जाते हैं। इसमें जो मुख्य कंटेंट है मेक व्रंसी, इसके अलावा त्रिफला है, भस्मा है, शिलाजीत है और भी कई प्रकार के अलग अलग आयुर्वेदिक इसमें एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेक व्रंसी, उसका क्या क्या कार्य है, वो हमारे शरीर में कैसे काम करती है, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये मेक व्रंसी जो इसमें एक्सट्रैक्ट है वो हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है और जो ग्लूकोज लेवल है उसको डिक्रीज कर देता है, उसको घटा देता है, जिससे कि हमारा जो डायबिटीज है वो कंट्रोल में रहता है और डायबिटीज लेवल कम हो जाता है। इसके साथ ही जो ये कंटेंट है ये हमारे शरीर में जब जाता है, ये हम इस टैबलेट का उपयोग करते हैं तो हमारे को मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जो भी हमारे सामने कोई मीठा खाना आता है तो उसको खाने का हमारा मन नहीं करता है ये टैबलेट लेने के बाद, तो जिससे भी हमारा ग्लूकोज लेवल कम होता है और डायबिटीज कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाला त्रिफला, भस्मा, शिलाजीत ये हमारी बॉडी की ऑल ओवर वेलनेस के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से वेल रखने के लिए काम में लिए जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे कंटेंट माने जाते हैं। पूरी तरीके से बॉडी की ऑल ओवर वेलनेस के लिए भी इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। इसके अलावा बात करते हैं डायबिटीज की, ये डाइबिकोन टेबलेट किन पेशेंटों को दी जाती है। अगर आपको सेकेंड फेज का डायबिटीज है, आप में डायबिटीज लेवल सेकेंड फेज तक है, तो आप इस डायबिकोन टैबलेट का उपयोग करने की सलाह आपको डॉक्टर दे सकता है, जिससे कि आपकी डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएगी। ऐसी कोई टैबलेट नहीं बनी है जिससे डायबिटीज होने के बाद पूरी तरह से खत्म की जा सके, लेकिन ये डायबिकोन टैबलेट है ये काफी हद तक इसको कंट्रोल में कर सकती है जो कि और की भी मेडिसिन करती है। इसके साथ में आपको डॉक्टर जो एलोपैथिक मेडिसिन देता है उनको बंद करने की सलाह नहीं देता है, ये उन एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में स्टार्ट करनी होती है जिससे कि आपकी जो डायबिटीज है वो पूरी तरह से कंट्रोल हो सके। इसके अलावा जो ये डायबिकोन टैबलेट है इसका क्या क्या डोज है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये डायबिकोन टैबलेट है, इनका यूज अडल्ट और चाइल्ड दोनों कर सकते हैं। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इनका डोज क्या होता है, मोस्टली इनका डोज डॉक्टर आपके वेट, आपकी कौन सा लेवल है आपका डायबिटीज का, उसके अनुसार आपका जो इसका डोज है वो निर्धारित किया जाता है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है, आपकी एज ज्यादा है, आपका डायबिटीज लेवल ज्यादा है, तो डॉक्टर आपको इसकी दो टैबलेट लेने की सलाह दे सकता है, दो सुबह में दो शाम में। अगर आपका डायबिटीज लेवल कम है तो आपको एक टैबलेट दिन में लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा अगर आपका डायबिटीज मीडियम फेज में है तो आपको एक टैबलेट सुबह में और एक टैबलेट रात में देने की सलाह डॉक्टर दे सकता है। ये जो डायबिटीज टैबलेट का ये डोज था। इसी प्रकार अब बात करते हैं डायबिटीज जो ये डायबिकोन टैबलेट है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। वैसे तो डायबिकोन टैबलेट के कोई खास साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों में, 1% से भी कम लोगों में कुछ एक साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको थोड़ी बहुत पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आप में ज्यादा अगर आप इसका यूज करते हो तो आपका सर दर्द, जिम मचलाना, ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको कोई भी प्रकार की साइड इफेक्ट दिखे तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर के बताए अनुसार ले। अब बात करते हैं ये जो डायबिटीज टैबलेट है इसको हमें कब लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए या खाने के बाद। तो ये जो डायबिकोन टैबलेट है इसको मोस्टली डॉक्टर खाने से एक घंटे या आधे घंटे पहले लेने की सलाह देता है, जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। और अगर आप खाना खाने के बाद आपको थोड़ी बहुत वॉक करने की भी सलाह दे सकता है डॉक्टर, जिससे कि आप वॉक करते हो तो आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल में आ जाता है और ये आपको और भी अच्छे रिजल्ट दे सकती है। अब डायबिटीज को आप नेचुरल भी कंट्रोल कर सकते हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप मीठी चीजों का कम खाओ, स्वीट्स को कम खाओ, तो आपकी डायबिटीज नेचुरली भी काफी हद तक कंट्रोल की जा सकती है। डायबिटीज की ऐसी कोई मेडिसिन आज तक नहीं बनी है जहां तक मुझे ध्यान में है जो कि डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म कर सके। हाँ, कुछ दवाइयां हैं आयुर्वेदिक जो आपकी
जो लेवल है डायबिटीज का उसको काफी हद तक डिक्रीज कर देगी और डायबिटीज को कंट्रोल में ला सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में लगा बेल आइकन दबाओ जिससे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।